हेलो एवरीवन, आज मैं बनाने वाली हूँ गेहूं के आटे से और बेसन से बहुत ही सिंपल स्नैक्स। बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं ये और आप इन्हें स्टोर करके भी रख सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है, आप इसे बहुत आसानी से बना सकते हैं। यह बच्चों बड़ों हर किसी को बहुत पसंद आएगी, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बोल में एक कप गेहूँ का आटा ले लेंगे। आप चाहें तो आधा कप गेहूँ का आटा, आधा कप मैदा भी ले सकते हैं। इसमें चुटकी भर अजवाइन ऐड करेंगे। आप पसंद करें तो ऐड करें, वरना स्किप कर सकते हैं। स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। एक बार इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें एक टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल को आटे के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ऑयल अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए इसका एक सॉफ्ट आटा गूंथ लेंगे। आटा गूंथने के बाद इसे हम 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। जब तक आटा रेस्ट कर रहा है तब तक बेसन का घोल रेडी कर लेते हैं। एक बोल में आधा कप बेसन ले लेंगे। स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। ध्यान रखिएगा, हमने आटा गूंथते समय नमक ऐड किया था। एक चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। आप इसी जगह रेगुलर लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा छोटी चम्मच चाट मसाला और एक चौथाई चम्मच गरम मसाला ऐड करेंगे। अब इन सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने इस मिक्सर को बहुत ही सिंपल रखा है, जिससे आप चाहें तो इसे लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए बहुत ही गाढ़ा पेस्ट रेडी कर लेंगे। ध्यान रखिएगा, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करिएगा, क्योंकि हमें बिल्कुल गाढ़ा पेस्ट चाहिए। अगर आप इसे बहुत लंबा स्टोर करके नहीं रखना चाहते हैं तो आप इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर सकते हैं, धनिया पत्ती ऐड कर सकते हैं। और इसी के साथ बेसन का घोल बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं ये बहुत ही गाढ़ा बना है। नेक्स्ट आप थोड़ा सा आटा ले लेंगे। रोटी बनाने के लिए हम जितनी बड़ी लोई लेते हैं उतनी बड़ी लोई लीजिएगा। अब इसे जितना पतला हो सके उतनी पतली रोटी बेल लेंगे। सो मैं इसे गोल की जगह स्क्वायर शेप दे रही हूँ, आप इसे सिंपली गोल भी बेल सकते हैं। आप चाहें तो इस रेसिपी को फ्रेश आटा गूंथने के बजाय बचे हुए आटे से बना सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना होगा कि जो आप आटा का इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें नमक है कि नहीं। अगर आटे में नमक नहीं होगा तो आप उस हिसाब से बेसन के घोल में थोड़ा ज़्यादा नमक ऐड कर लीजिएगा। सो इसी के साथ हमने दो रोटियां बेलकर रेडी कर ली हैं। अब इसके ऊपर जो हमने बेसन का घोल बनाया था उसे लगा देंगे। जितना गाढ़ा पेस्ट रहेगा ना, इसे लगाना उतना ही आसान रहेगा। अब इसके ऊपर दूसरी बेली हुई रोटी रख देंगे। अब इसके ऊपर भी सेम जो हमने बेसन का घोल बनाया था वो लगा देंगे। सो बेसन का घोल अच्छे से लग चुका है। अब हम इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे। किनारों को हल्का फोल्ड करने के बाद अब इसे रोल करते हुए जाएंगे। सो हमारा रोल बिल्कुल रेडी है। इतने मिक्सचर और आटे के साथ दो रोल बनकर रेडी हो जाते हैं। अब इस तरीके का कुजारी का बर्तन ले लेंगे और इसे अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लेंगे और इसके ऊपर जो हमने रोल बनाए हैं उसे रख देंगे। और इसके साथ ही में पतीले में पानी बॉयल होने के लिए भी रख देना है। पानी अच्छे से उबलने लगा है, अब इसमें ये जाली वाला स्टैंड डाल देंगे और अब इसे ढककर मीडियम फ्लेम पर 20 मिनट के लिए पकने देंगे। 20 मिनट बाद ढक्कन हटा देंगे। अब इसमें एक टूथपिक इंसर्ट करके चेक कर लेंगे कि यह अंदर तक अच्छे से पका है या नहीं। ये देखिए, टूथपिक बिल्कुल क्लीन निकला है, इसका मतलब यह अंदर तक अच्छे से पक गया है। इसे स्टैंड से निकाल लेंगे और पूरी तरीके से ठंडा होने देंगे। ये देखिए, यह पूरी तरीके से ठंडा हो चुका है और अच्छे से पक गया है। अब इसे कट कर लेंगे। कोशिश करिएगा पतले पतले पीसेस कट करने की। आप इसे 1 से 2 हफ्ते के लिए फ्रीजर में रख सकते हैं। कोशिश करिएगा जितने पतले हो सके उतने पतले पीसेस कट करिएगा। सारे पीसेस कट करके रेडी कर लिए, अब इन्हें फ्राई कर लेते हैं। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तब इसमें एक एक करके ये स्लाइसेस डाल देंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम हाई रखिएगा, इसे बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है। ऑलरेडी स्टीम करके हमने इसे अच्छे से पका लिया है, बस फ्राई करके हम इसे क्रिस्पी कर रहे हैं। बस इसे पलट पलट कर तब तक पकाएंगे जब तक यह दोनों साइड से अच्छे से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। आप चाहें तो इन्हें डीप फ्राई करने के बजाय सिंपली तवे पर 1 चम्मच ऑयल डालकर दोनों साइड से सेक सकते हैं। और ये लीजिए, इसी के साथ हमारे गेहूं के आटे और बेसन से बने क्रिस्पी स्नैक्स बिल्कुल रेडी हैं। इस पर बहुत ही बढ़िया कलर आया है। अब इन सारे पीसेस को ऑयल से निकाल लेंगे। सेम इसी तरह बाकी पीसेस को भी फ्राई कर लेंगे। इसे बनाना भी बहुत आसान है और आप इसे बचे हुए आटे से ही बना सकते हैं। आप इसे हरी चटनी के साथ या फिर टोमेटो केचप के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।